बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये अपने नए ब्लॉग के साथ रही आपके इज्जत में हाजिर है और आप सबको खुश आमदीद कहता है। तो जी आज मैं मौजूद हूँ लाहिब बाज़ार। तो जी ये यहाँ पर ये दुकान है लाहिब बाज़ार से शुरू हूँ। तो यहाँ पर कंघियों वाली छोटे बच्चों के सूट्स। तो जी यहाँ पर पंसारियों की दुकान है ख्वाजा पंसार स्टोर। पंसारियों से हमें क्या मिल जाएगा, हर किस्म की देसी दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, देसी ज़ाफ़रान कस्तूरी सला जी ये मुरब्बा जाती है मिल जाते हैं। और ये जी आके ये दुकान, ये इधर जूतियों वाली दुकान है। तो ये जी यहाँ पर रंग वाली दुकान अब्दुल रशीद रंग वाले। तो ये जी आगे बर्तनों की दुकान। ये मैं किस तरफ जा रहा हूँ, ये मैं लाहिब बाज़ार से मशरक़ की तरफ जा रहा हूँ, जिसको कहते हैं कि ये लेंदे, पंजाबी में कहते हैं लेंदे और चढ़ते जा रहे हैं। ये दिखा रहे थे जी यहाँ पर एक खूबसूरत गिफ्ट वाली दुकान। तो ये जी यहाँ पे बाज़ार में एक खूबसूरत और गिफ्ट वाली दुकान, दुकान के अंदर घड़ियाँ लगी हुई हैं, तरह के गिफ्ट लगे हुए हैं। ये जी यहाँ पे एक दुकान है बच्चों के खिलौने। ये छोटे बच्चों की दूर छोटे बच्चों की पैंटे शर्ट हैं, ये बच्चों के फ्रॉक। यहाँ पे एक दुकान है बच्चों की जूती हैं, ये ज्वेलरी आर्टिफिशियल। हाँ भाई छोटी जूती हैं। यहाँ पे बाजार में पर्स वाली दुकान अंदर जूते आर्टिफिशियल, ये जूते हैं भाई ये जी। ये बाजार में सिर्फ थोक की चीज़ें, ये जो नीचे गली है सालू गुजर को गाती है लाइफ बाजार थोड़ा सा आगे। ये मेन बाजार में चलते हुए कि ईद के बाद ना, ईद को दो से ढाई तीन हफ्ते हो गए हैं, तो रौनक आए हैं, तो फिर भी बाज़ार में जो है ना रौनक है, दुकानें खुली हुई हैं, यहाँ पर ख़रीदारी लगी होती है। यहाँ पर एक दुकान है कुरान जी सुपारे वाली, क्राकरी की दुकानें देखें, बर्तनों की दुकानें भाई, दुकानों पे बर्तन लगे हुए हैं। यहाँ पर खुशी वाली दुकान एक दुकान। दासा जी नीचे को जाता है, ये चौक शहीदा को जाता है, नीचे को उतरता है। ये मेन बाजार में आगे की तरफ बढ़ते हुए हैं। तो आज के ब्लॉग में मेन बाजार दिखाएंगे बूढ़ी बाजार तक।
यहाँ पर एक दुकान है, इधर ही दुकान है ना, बूढ़ी बाजार में आके वेलवेट के कपड़ों की दुकान है। इधर कहीं ना वेलवेट का कपड़ा मिल जाता है। इधर आ गया बूढ़ी बाजार में, इधर जो दाई तरफ रास्ता है, तो इधर जो दाई तरफ रास्ता है जाता है माम साहब की तरफ, तो थोड़ा सा आगे जाके ना बाई तरफ ये जाता है किले की तरफ बूढ़ी बाजार। या गुड्डी बाजार में आ गए, यहाँ से मैं टर्न हुआ था। आप देख सकते हैं सियालकोट का जो बाजार है, काफी लंबा बाजार है ये, 3-4 किलोमीटर का ना मेन बाजार, काफी लंबा बाजार है। जी यहाँ एक जगह पे दूल्हों के हार बने हुए हैं, आगे दुकान है भाई, 2-3 और आई हैं। ये जी मैं बाजार में एक चौक पे आया हूँ, ये चौक है, 2 दरवाजे हैं। यहाँ से दाई तरफ ये जो ऊंचा रोड है ये लामकबाल के घर को जा रहा है, और यहाँ बाई तरफ जो है ना रोड है वो दूसरे तरफ उतर रहा है, और ये सीधा रोड रंगपुरे की तरफ जा रहा है। तो जी मेरा आज का ब्लॉग इतना ही था, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप मेरा चैनल दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।